कर दी गई है। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चले, क्वेटा के नवाही इलाके सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में दो अफराद जख्मी हुए हैं। ये दोनों अफराद FC एहलकार बताए गए हैं। क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। ये धमाका सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि बम धमाका FC के एहलकारों पर किया गया है। इस धमाके में दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। आपको क्वेटा से अपडेट करते चलें, क्वेटा में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। इस हमले के नतीजे में दो एहलकार जख्मी हुए हैं। क्वेटा से ब्रेकिंग न्यूज है, सरियाब रूट पर धमाका हुआ है। इस बम धमाके के नतीजे में पुलिस हुकाम के मुताबिक दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। ये FC एहलकार इस रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर इन एहलकारों को उस वक्त इस बम के जरिए निशाना बनाया गया जब वो करीब से गुजर रहे थे। बम धमाके से सरियाब रोड पर मुतादिद करीब गुजरने वाली दीगर निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। क्वेटा से ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें। क्वेटा सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब जोरदार बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके के जरिए पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के गश्त पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें, क्वेटा के नवाही इलाके सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में दो अफराद जख्मी हुए हैं। ये दोनों अफराद FC एहलकार बताए गए हैं। क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। ये धमाका सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि बम धमाका FC के एहलकारों पर किया गया है। इस धमाके में दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। आपको क्वेटा से अपडेट करते चलें, क्वेटा में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। इस हमले के नतीजे में दो एहलकार जख्मी हुए हैं। क्वेटा से ब्रेकिंग न्यूज है, सरियाब रूट पर धमाका हुआ है। इस बम धमाके के नतीजे में पुलिस हुकाम के मुताबिक दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। ये FC एहलकार इस रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर इन एहलकारों को उस वक्त इस बम के जरिए निशाना बनाया गया जब वो करीब से गुजर रहे थे। बम धमाके से सरियाब रोड पर मुतादिद करीब गुजरने वाली दीगर निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। क्वेटा से ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें। क्वेटा सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब जोरदार बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके के जरिए पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के गश्त पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें, क्वेटा के नवाही इलाके सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में दो अफराद जख्मी हुए हैं। ये दोनों अफराद FC एहलकार बताए गए हैं। क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। ये धमाका सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि बम धमाका FC के एहलकारों पर किया गया है। इस धमाके में दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। आपको क्वेटा से अपडेट करते चलें, क्वेटा में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। इस हमले के नतीजे में दो एहलकार जख्मी हुए हैं। क्वेटा से ब्रेकिंग न्यूज है, सरियाब रूट पर धमाका हुआ है। इस बम धमाके के नतीजे में पुलिस हुकाम के मुताबिक दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। ये FC एहलकार इस रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर इन एहलकारों को उस वक्त इस बम के जरिए निशाना बनाया गया जब वो करीब से गुजर रहे थे। बम धमाके से सरियाब रोड पर मुतादिद करीब गुजरने वाली दीगर निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। क्वेटा से ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें, क्वेटा सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब जोरदार बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके के जरिए
पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के गश्त पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चले, क्वेटा के नवाही इलाके सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में दो अफराद जख्मी हुए हैं। ये दोनों अफराद FC एहलकार बताए गए हैं। क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। ये धमाका सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि बम धमाका FC के एहलकारों पर किया गया है। इस धमाके में दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। आपको क्वेटा से अपडेट करते चलें, क्वेटा में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। इस हमले के नतीजे में दो एहलकार जख्मी हुए हैं। क्वेटा से ब्रेकिंग न्यूज है, सरियाब रूट पर धमाका हुआ है। इस बम धमाके के नतीजे में पुलिस हुकाम के मुताबिक दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। ये FC एहलकार इस रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर इन एहलकारों को उस वक्त इस बम के जरिए निशाना बनाया गया जब वो करीब से गुजर रहे थे। बम धमाके से सरियाब रोड पर मुतादिद करीब गुजरने वाली दीगर निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। क्वेटा से ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें, क्वेटा सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब जोरदार बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके के जरिए पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के गश्त पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें, क्वेटा के नवाही इलाके सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में दो अफराद जख्मी हुए हैं। ये दोनों अफराद FC एहलकार बताए गए हैं। क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। ये धमाका सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि बम धमाका FC के एहलकारों पर किया गया है। इस धमाके में दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। आपको क्वेटा से अपडेट करते चलें, क्वेटा में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। इस हमले के नतीजे में दो एहलकार जख्मी हुए हैं। क्वेटा से ब्रेकिंग न्यूज है, सरियाब रूट पर धमाका हुआ है। इस बम धमाके के नतीजे में पुलिस हुकाम के मुताबिक दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। ये FC एहलकार इस रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर इन एहलकारों को उस वक्त इस बम के जरिए निशाना बनाया गया जब वो करीब से गुजर रहे थे। बम धमाके से सरियाब रोड पर मुतादिद करीब गुजरने वाली दीगर निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। क्वेटा से ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें, क्वेटा सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब जोरदार बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके के जरिए पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के गश्त पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें, क्वेटा के नवाही इलाके सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में दो अफराद जख्मी हुए हैं। ये दोनों अफराद FC एहलकार बताए गए हैं। क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। ये धमाका सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि बम धमाका FC के एहलकारों पर किया गया है। इस धमाके में दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। आपको क्वेटा से अपडेट करते चलें, क्वेटा में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। इस हमले के नतीजे में दो एहलकार जख्मी हुए हैं। क्वेटा से ब्रेकिंग न्यूज है, सरियाब रूट पर धमाका हुआ है। इस बम धमाके के नतीजे में पुलिस हुकाम के मुताबिक दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। ये FC एहलकार इस रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर इन एहलकारों को उस वक्त इस बम के जरिए निशाना बनाया गया जब वो करीब से गुजर रहे थे। बम धमाके से सरियाब रोड पर मुतादिद करीब गुजरने वाली दीगर निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। क्वेटा से ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें,
क्वेटा सरियाब रूट पर तारिक अस्पताल के करीब जोरदार बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके के जरिए पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के गश्त पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चले, क्वेटा के नवाही इलाके सरियाब रूट पर तारिक अस्पताल के करीब एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में दो अफराद जख्मी हुए हैं। ये दोनों अफराद FC एहलकार बताए गए हैं। क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। ये धमाका सरियाब रूट पर तारिक अस्पताल के करीब हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि बम धमाका FC के एहलकारों पर किया गया है। इस धमाके में दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। आपको क्वेटा से अपडेट करते चलें, क्वेटा में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। इस हमले के नतीजे में दो एहलकार जख्मी हुए हैं। क्वेटा से ब्रेकिंग न्यूज है, सरियाब रूट पर धमाका हुआ है। इस बम धमाके के नतीजे में पुलिस हुकाम के मुताबिक दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। ये FC एहलकार इस रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर इन एहलकारों को उस वक्त इस बम के जरिए निशाना बनाया गया जब वो करीब से गुजर रहे थे। बम धमाके से सरियाब रूट पर मुतादिद करीब गुजरने वाली दीगर निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। क्वेटा से ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें, क्वेटा सरियाब रूट पर तारिक अस्पताल के करीब जोरदार बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके के जरिए पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के गश्त पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें, क्वेटा के नवाही इलाके सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में दो अफराद जख्मी हुए हैं। ये दोनों अफराद FC एहलकार बताए गए हैं। क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। ये धमाका सरियाब रूट पर तारिक अस्पताल के करीब हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि बम धमाका FC के एहलकारों पर किया गया है। इस धमाके में दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। आपको क्वेटा से अपडेट करते चलें, क्वेटा में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। इस हमले के नतीजे में दो एहलकार जख्मी हुए हैं। क्वेटा से ब्रेकिंग न्यूज है, सरियाब रूट पर धमाका हुआ है। इस बम धमाके के नतीजे में पुलिस हुकाम के मुताबिक दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। ये FC एहलकार इस रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर इन एहलकारों को उस वक्त इस बम के जरिए निशाना बनाया गया जब वो करीब से गुजर रहे थे। बम धमाके से सरियाब रूट पर मुतादिद करीब गुजरने वाली दीगर निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। क्वेटा से ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें, क्वेटा सरियाब रूट पर तारिक अस्पताल के करीब जोरदार बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके के जरिए पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के गश्त पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें, क्वेटा के नवाही इलाके सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में दो अफराद जख्मी हुए हैं। ये दोनों अफराद FC एहलकार बताए गए हैं। क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। ये धमाका सरियाब रूट पर तारिक अस्पताल के करीब हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि बम धमाका FC के एहलकारों पर किया गया है। इस धमाके में दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। आपको क्वेटा से अपडेट करते चलें, क्वेटा में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। इस हमले के नतीजे में दो एहलकार जख्मी हुए हैं। क्वेटा से ब्रेकिंग न्यूज है, सरियाब रूट पर धमाका हुआ है। इस बम धमाके के नतीजे में पुलिस हुकाम के मुताबिक दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। ये FC एहलकार इस रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर इन एहलकारों को उस वक्त इस बम के जरिए निशाना बनाया गया जब वो करीब से गुजर रहे थे। बम धमाके से सरियाब रूट पर मुतादिद करीब
गुजरने वाली दीगर निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। क्वेटा से ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें। क्वेटा सरियाब रूट पर तारिक अस्पताल के करीब जोरदार बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके के जरिए पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के गश्त पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चले, क्वेटा के नवाही इलाके सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में दो अफराद जख्मी हुए हैं। ये दोनों अफराद FC एहलकार बताए गए हैं। क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। ये धमाका सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि बम धमाका FC के एहलकारों पर किया गया है। इस धमाके में दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। आपको क्वेटा से अपडेट करते चलें, क्वेटा में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। इस हमले के नतीजे में दो एहलकार जख्मी हुए हैं। क्वेटा से ब्रेकिंग न्यूज है, सरियाब रूट पर धमाका हुआ है। इस बम धमाके के नतीजे में पुलिस हुकाम के मुताबिक दो FC एहलकार जख्मी हुए हैं। ये FC एहलकार इस रूट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर इन एहलकारों को उस वक्त इस बम के जरिए निशाना बनाया गया जब वो करीब से गुजर रहे थे। बम धमाके से सरियाब रूट पर मुतादिद करीब गुजरने वाली दीगर निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। क्वेटा से ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करते चलें। क्वेटा सरियाब रूट पर तारिक अस्पताल के करीब जोरदार बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके के जरिए पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के गश्त पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें, क्वेटा के नवाही इलाके सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में दो अफराद जख्मी हुए हैं। ये दोनों अफराद FC एहलकार बताए गए हैं। क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। ये धमाका सरियाब रूट पर तारिक अस्पताल के करीब हुआ है। पुलिस हुकाम ने बताया है कि बम धमाका FC